नरेन ने पूजा के गालों पर जड़ दिया जोरदार थप्पड़। तुम्हारे लिए पूरे दुनिया में याद के लिए पागल से भी लड़ी है। क्या पता किस पागल पर की नाटक है। तो मुझे ही पागल बना रही, मुझे ही पागल बना रही। पूजा के नरेन ने उसके त्याग और बलिदान का ये सिला दिया कि बेवफा ना होने के बावजूद भी पूजा को बेवफा करार कर दिया और कई सारी कड़वी बातें सुनाकर पूजा को अकेला ही रोता बिलकता छोड़कर नरेन हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। नरेन को पहले से ही शक हो गया था पूजा पे और उस पे, और नैना ने अपने अपना खेल खेला और फाइनली नरेन का सच जो है वो यकीन में बदल गया कि पूजा ठीक नहीं है। और पूजा ने भी कन्फेस कर दिया कि वो जो कर रही थी उसको वो करते हुए बुरा लगा, लेकिन उसकी मजबूरी थी। लेकिन ये मजबूरी बताना पूजा के लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो नरेन के सामने ये भेद नहीं खोल सकती। तो अब दादाजी की बात रखे या वो अपने प्यार को कायम रखे, उन दोनों का उन दोनों चीज़ों में से वो अब बीच में अटक गई है। शी इज इन अ डिलेमा। पूजा, वो कहावत आप पर बिल्कुल ठीक लागू होती है, नेकी कर और दरिया में डाल, क्योंकि आपने ये पागल बनने का नाटक नरेन और उसके परिवार को बचाने के लिए किया था। बदले में क्या हुआ, पूजा के नरेन ने ही उससे मुंह मोड़ लिया। दादाजी का वो राज जो पूजा छुपाना चाहती थी वो इस मोबाइल के जरिए अब नरेन के सामने आ चुका है। तो ये तुम्हारे बैग में से कैसे निकला? ये मिस्टर कपूर का मोबाइल है और यही है जिसमें भेद छुपा हुआ है दादाजी का, जो नरेन के सामने नहीं आना चाहिए। अब पूजा घर वालों को बचाएगी या खुद को सही साबित करेगी, ये भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। सिर्फ यहाँ और कहा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।